देखो यहां बात कुछ इस तरह की आ रही है, हम पढ़ने जा रहे हैं आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशंस। आयोडीमेट्रिक और आयोडोमेट्रिक दोनों अलग है। जब डीआई यानी डीआई दिख रहा है आपको, तो डीआई का मतलब है डायरेक्ट आयोडीन, यानी आई टू सीधी मिल रही है, और डीओ मिल रहा हो तो इसका मतलब पहले आयोडीन बनेगी किसी रिएक्शन में, फिर उसकी टाइट्रेशन होगी, यानी मल्टीपल स्टेप रिएक्शन है। तो इसको एक बार लिखेंगे पूरे पॉइंट्स को। उससे पहले हम ये जानेंगे कि आयोडीन के बारे में है क्या। आयोडीन या कोई भी हेलोजन जैसे Cl2, Br2, IOT, I2, ये मॉडरेट टाइप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जनरली एल्कली मीडियम के अंदर। ठीक है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड, बहुत ज्यादा बेसिक भी नहीं होना चाहिए। फिलहाल आयोडीन इज ए मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड कैन बी यूज्ड टू टाइट्रेट रिड्यूसिंग एजेंट, बट देयर नंबर इज लिमिटेड, क्योंकि मॉडरेट है तो लिमिटेड ही रहेगा, हर एक को ऑक्सीडाइज नहीं करेगा। Na2S2O3, जिसको आप हाइपो के नाम से जानते हो, कॉमर्शियल नेम है, आईयूपीएसी नेम सोडियम थायोसल्फेट, थायोसल्फ्यूरिक एसिड से बना है, वर्सेस I2 टाइट्रेशंस आर कॉल्ड आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशंस। तो यहां आप लिखेंगे की पॉइंट, पहला फर्स्ट डी आयोडी मैट्रिक, आई से मतलब I2 गैस या जो भी आपके पास है सॉलिड रहेगा I2, DI का मतलब डायरेक्ट, डायरेक्ट, और मैट्रिक का मतलब प्रोसेस, यानी I2 गैस डायरेक्ट जिस प्रोसेस में आती है, यहां पर वो हमारे लिए हो गया आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशंस। इस प्रोसेस में अगला रिएक्शन, सेकेंड की पॉइंट होगा केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शंस, क्योंकि आपको मालूम पड़ गया आयोडीन डायरेक्ट आ रही है और किसको ऑक्सीडाइज कर रही है, Na2S2O3। आयोडीन उसको ऑक्सीडाइज करके क्या बनाएगी, Na2S4O6 में कन्वर्ट कर लेगी, प्लस ट्वाइस NaI, ये बैलेंस भी कर दिया आपने, यानी सोडियम थायोसल्फेट का ऑक्सीडेशन हुआ है। सल्फर की यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है अगर देखा जाए तो 3 2 6, 6 में से 2 गए 4, और ये 2 प्लस 2, और यहाँ कितनी है 6 2 12, 12 में से 2 गए 10, 10 डिवाइडेड बाय 4 कितना हुआ 2.5, तो 2 से 2.5 गए, एन फैक्टर क्या होगा आप बता सकते हैं, 0.5 मल्टीप्लाई बाय 2 सल्फर है यानी 1, और आयोडीन के लिए एन फैक्टर क्या होगा आप बता सकते हैं, 0 है यहां पर और यहां पर -1 है, तो एक तरह से 1 का डिफरेंस है, 1 मल्टीप्लाई बाय 2, 2, ये तो हमें एन फैक्टर दोनों के मालूम पड़ गए। फिर थर्ड पॉइंट की पॉइंट आप अच्छे से जानते हैं, N1V1 इज इक्वल टू N2V2, लॉ ऑफ इक्विवेलेंट। N1V1 इक्वल टू N2V2, M1V1 मल्टीप्लाई बाय एन फैक्टर 1 इज इक्वल टू M2V2 मल्टीप्लाई बाय एन फैक्टर 2। एन फैक्टर आपको मालूम है 1 और 2 है यहाँ पर, तो चलिए अगर मोलरिटी दी गई है तो हम ऐसे करेंगे, मोलरिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम मोल, मोल मल्टीप्लाई बाय एन फैक्टर इक्विवेलेंट। N1 नॉर्मलिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम, वैसे इक्विवेलेंट आ रहा है, और इसके अलावा अगर आपको वेट दिया गया है W1 मल्टीप्लाई बाय मॉलिकुलर वेट, अगर प्योरिटी दी गई है X%, तो रख देंगे हम यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय एन फैक्टर, जो कि कितना है इसका हाइपो का 1, Na2S2O3 का वेट डिवाइडेड बाय मॉलिकुलर वेट, मोल, मोल मल्टीप्लाई बाय प्योरिटी, प्योर मोल दिस, तो ये तो आपके पास रहा 10। दूसरी तरफ W2 डिवाइडेड बाय मॉलिकुलर वेट 2, अगर उसके लिए प्योरिटी Y% दे रखी है तो Y,
अदरवाइज बाय डिफॉल्ट कितना ले लेंगे हम, 100% प्योरिटी, और इसके लिए एन फैक्टर कितना है 10, और ये आपके पास आया आयोडीन। प्योरिटी तब दी जाती है जब सैंपल दिया जाए क्वेश्चंस में। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट्स है, प्रैक्टिस करते हैं। पहले यहां तक लिखो, देखो ये टाइट्रेशन हम देख रहे हैं, इसके भी और कोई की पॉइंट भी आ रहे हैं थर्ड फोर्थ नंबर पे। इंडिकेटर क्या लिया जाए, इंडिकेटर देखो, इंडिकेटर की बात आ रही है, आयोडीन इटसेल्फ इंडिकेटर, ए इंडिकेटर, आयोडीन प्लस स्टार्च, स्टार्च मिला दिया जाता है, ब्लू कलर रखता है, पर्पल ब्लू कलर का, या डार्क ब्लू कलर, पर्पल ब्लू कलर समझ लीजिए इसको। तो ये ब्लू कलर अपने आप में रखता है, तो जैसे ही एंड पॉइंट पे आएगा तो एंड पॉइंट पे क्या होगा, डिसअपीयर हो जाएगा पूरा, क्योंकि पूरी आयोडीन खत्म हो चुकी है, तो ब्लू कलर क्या हो जाएगा, पूरा गायब हो जाएगा। एंड पॉइंट इज द डिसअपीयर, डिसअपीयर ऑफ ब्लू कलर। तो इस पूरी टाइट्रेशन को हम किस सॉल्वेंट में करेंगे, स्टार्च में, सॉल्वेंट का काम करेगा यहाँ स्टार्च, ठीक है। और आयोडीन स्टार्च के अंदर किस तरह का कलर रखती है, ब्लू कलर का। तो यहाँ आपके पास फोर्थ पॉइंट हो गया कि हमें अलग से इंडिकेटर मिलाने की जरूरत नहीं है, स्टार्च ये हमारा काम करेगा। अब बात आती है कि हम क्या यहाँ पर एसिडिक मीडियम रखें या बेसिक मीडियम रखें, दोनों में ही नुकसान है। मीडियम रख लो, पीएच आप रख सकते हो 5 से लेके 7 के बीच में, समझ में आ रहा है। तो क्यों नहीं रख सकते, इन स्ट्रॉन्ग एसिड पहले लिख लीजिए, अबाउट टाइट्रेशन अकर इन पीएच 5 to 8 बिकॉज इन स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड मीडियम यानी पीएच बहुत कम है, स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब पीएच 4 से भी कम हो जाएगी, 2 या 1 इस तरह की कुछ होगी, उस कंडीशन में जो हमारा स्टार्च है डिकम्पोज हो जाएगा, या फिर आप बोल दीजिए हाइड्रोलाइज्ड हो जाएगा, बात एक ही है, हाइड्रोलाइज्ड। हाइड्रोलाइज होने से क्या मतलब होता है, वो डिकम्पोज हो जाएगा एक तरह से, पूरा वाटर मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करने लग जाएगा और अलग ही किसी चीज में चेंज हो जाएगा, तो फिर हमारा ब्लू कलर वैसे गायब हो जाएगा, एंड पॉइंट ही नहीं आएगा, क्योंकि स्टार्च और आयोडीन मिलके ही ब्लू कलर जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम में तो रख ही नहीं सकते। और दूसरा रीजन, बिकॉज इन स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम, स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम, तो स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम में हमारे लिए क्या रहेगा, मीडियम। हम यहां पर देखेंगे स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम में एक प्रॉब्लम आएगी कि आयोडीन डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन शो करता है, केवल आयोडीन ही नहीं, ऑलमोस्ट मैक्सिमम नॉन मेटल्स, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फास्फोरस, ये सारे आर्सेनिक, ये क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग बेसिक में डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन देते हैं, यानी सेल्फ ऑक्सीडेशन, सेल्फ रिडक्शन, खुद का खुद से कर देते हैं। तो खुद का खुद से करेंगे तो फिर वो Na2S2O3 का कौन करेगा, कोई नहीं कर पाएगा। तो इन स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम I2 शो डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन, डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन, आप जानते हैं डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन का मतलब क्या है, सेल्फ ऑक्सीडेशन, यानी आयोटी में OH बेसिक मीडियम में एक तो बन जाएगा I- और एक बन जाएगा IO- या फिर IO2- या फिर IO3-, इस तरह से सेल्फ ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो जनरली जितना बेसिक होता जाता है उतना ही इस तरफ जाएगा, IO3- की तरफ। इज दैट क्लियर? तो सेल्फ ऑक्सीडेशन, सेल्फ रिडक्शन होने से हमारे पास एक नई रिएक्शन हो जाएगी, जो हम चाह रहे हैं वो नहीं होगा और दूसरा ही कुछ कहानी बन जाएगी।
ये चारों पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखें इसको। देखो ये क्वेश्चंस देखिए, पढ़िए पहले। व्हाट मास ऑफ Na2S2O3.5H2 इज नीडेड टू मेक 500 सेंटीमीटर क्यूब 0.2 एन सॉल्यूशंस फॉर द रिएक्शंस, यानी हमारे लिए ये है कंपाउंड और इसका एन फैक्टर हम बता चुके हैं कितना है, 1। तो हमारे को चाहिए है मास। तो इक्विलेंट दो तरह से निकाला जा सकता है, एक N1V1 इज इक्वल टू इक्विलेंट हो गया, दूसरा तरीका होता है वेट डिवाइडेड बाय मॉलिकुलर वेट मल्टीप्लाई बाय एन फैक्टर। इसी की बात कर रहे हैं, हमें आयोडीन की कोई बात करनी नहीं है अभी, ठीक है, सिर्फ इसकी बात करनी है। नॉर्मलिटी कितनी दे रखी है आपको, 0.2। वॉल्यूम कितना दे रखा है, 500 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि 500 ml, 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 ml होता है, तो 1/5 हो गया। नहीं, कितना दिया है, 0.2, और 500 1/2 हो गया। 0.5 को क्या, 0.2 को क्या लिख सकते हैं, 1/5, 1/2, समझ में आ रहा है। वेट आपको निकालना है, मॉलिकुलर वेट 248 और एन फैक्टर 1, तो एक तरह से W निकालना है 248। आपको नहीं लग रहा कि ये वहां जाएगा, 10 का डिवाइड होगा 24, W की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 24.8 ग्राम। आपका भी यही आंसर आ रहा है, ठीक है, इजी है, कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। हाँ, अगर आयोडीन के बारे में इससे इंफॉर्मेशन पूछी जाती कि बताइए इसके लिए आयोडीन की कितना मास कंज्यूम होगा, तो अगर आपको आयोडीन के लिए निकालना होता तो यहां क्वेश्चंस को और कर देते हैं, ऑल्सो कैलकुलेट रिक्वायर्ड मास ऑफ I2। तो आप क्या करते हैं, अब इसमें बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आपके पास इसके इक्विवेलेंट है ही, N1V1 ऑफ हाइपो हाइपो Na2S2O3 लिखें या S2O3-2 लिखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, दोनों के इक्विवेलेंट बराबर ही होंगे। इज इक्वल टू आयोडीन का वेट कितना है, W, मास पूछा जा रहा है, मोलर मास कितना होता है, 254, और एन फैक्टर कितना है इसका, 2। तो आपके पास बहुत आसान है, N1V1 ऑलरेडी मैं निकाल चुका हूँ, 1/10, तो ये 1/10 हो रहा है, W डिवाइडेड बाय 254, 127, तो W की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, 12.7 ग्राम आयोडीन। तो बहुत आसान है, आप जल्दी से लिखें इसको। देखो हमने अभी आयोडीन मैट्रिक टाइट्रेशन पढ़ा और उसी का भाई है, कौन भाई है, आयोडोमेट्रिक, ठीक है, DI में डायरेक्ट आ रहा था, आयोडी डायरेक्ट आयोडीन, यहाँ DI नहीं है, तो DI नहीं है तो डायरेक्ट आयोडीन आएगा भी नहीं, पहले आयोडीन जनरेट होगा फिर टाइट्रेशन होगी। तो यहाँ हम आयोडाइड आयन लेंगे, उसे आयोडीन गैस में कन्वर्ट करेंगे, उस आयोडीन गैस से फिर हम हाइपो की टाइट्रेशन करेंगे। तो क्वेश्चंस किस तरह से या लैंग्वेज किस तरह से बनती है देखिए, आयोडाइड आयन इज ए वीक रिड्यूसिंग एजेंट, हम जानते हैं, एंड वे विल रिड्यूस स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, द रेडॉक्स चेंज इन्वॉल्विंग लिबरेट आयोडीन एज एन ऑक्सीडेंट, जनरेट होने वाली आयोडीन ऑक्सीडेंट का काम करेगी और वो हाइपो को ऑक्सीडाइज करेगी। तो एग्जाम्पल कॉपर सल्फेट वर्सेस हाइपो इन KI सॉल्यूशंस कॉल्ड आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशन। तो कैसे होगा, पहले तो की पॉइंट की तरह लिखना चालू करो, आयोडो मैट्रिक, डो डो का मतलब नॉट DI, नॉट DI का मतलब नॉट I2 डायरेक्ट, नॉट I2 डायरेक्ट का मतलब फर्स्ट आई माइनस कन्वर्ट इन I2 गैस, इस तरह से होगा। तो कुछ इस तरह की रिएक्शन जब आपको देखने को मिलेगी, तो कॉपर सल्फेट ही क्यों, क्योंकि
क्योंकि कॉपर सल्फेट एक तरह से स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है यहाँ पर, प्लस टू प्लस आयोडीन CU, सॉरी KI, KI में आयोडीन का ऑक्सीडेशन कितना है -1, तो कॉपर सल्फेट में प्लस टू से कॉपर किस में चेंज हो जाएगा, प्लस वन में, ये प्लस वन में चेंज हो गया। तो यहां पर आयोडीन आई माइनस में, कुछ आयोडीन तो आई माइनस में ही रहेगी और कुछ आयोडीन आई टू में चेंज हो जाएगी, प्लस के टू एस ओ फोर, ये कुछ चेंजेस हो रहा है आपके पास, ठीक है। या सुनो, अब बनने वाली आयोडीन चाहो तो आप बैलेंस कर सकते हो, बनने वाली आयोडीन नेक्स्ट स्टेप में क्या बनाएगी, Na2S2O3 के साथ रिएक्शन करेगी, Na2S4O6 बनाएगी प्लस ट्वाइस NaI बनाएगी, यानी जो KI से लिया था वो अब NaI में चेंज हो गया, यानी आयोडाइड आयन आयोडीन में चेंज हुआ और फिर वापस आई माइनस में चेंज हो गया। इज दैट क्लियर? तो क्या लिखा जा सकता है, देखिए बहुत अच्छी बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनना और थोड़ा सा इसको पकड़ने की कोशिश भी करना। यहां आयोडीन का इन्फेक्टर क्या है जल्दी से बताएं, टू, सही है, और यहां आयोडीन का इन्फेक्टर कितना है, टू, क्योंकि बना तो वो आई माइनस से ही है। तो अगर ऊपर और नीचे रिएक्शन में कॉमन सब्सटेंस का इन्फेक्टर सेम है तो सभी के इक्विलेंट बराबर होंगे, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ इक्विलेंट पार्ट टू गिवन बाय SL, सुनील लखोटिया, समझ में आ रहा है? लॉ ऑफ इक्विलेंट तो ये कहता है कि किसी भी एक रिएक्शन में सभी के इक्विलेंट क्या होंगे, सेम होंगे। और SL रूल क्या कहता है कि अगर कॉमन मल्टीपल रिएक्शन है और ऊपर और नीचे दोनों में कॉमन सब्सटेंस का इन्फेक्टर सेम है तो सभी के इक्विलेंट सेम होंगे, क्योंकि इक्विलेंट जितने इसके होंगे उतने इसके होंगे, और सेम क्योंकि ऊपर और नीचे मोल सेम है ही और इन्फेक्टर भी सेम है तो इक्विलेंट भी सेम होंगे। तो यहां इक्विलेंट और यहां इक्विलेंट अब सेम हो गए, इसके इक्विलेंट इसके बराबर है, इसके इसके बराबर है, इसके इसके बराबर है, यानी सबके सेम है। तो ये है SL लॉ, सुनील लखोटिया रूल, क्या कहता है ये, इफ, क्या कहता है, इन सीक्वेंस रिएक्शन का मतलब तो आप जानते ही हैं, ए बी सी डी में चेंज हो रहा है और सी नीचे वापस किसी और रिएक्शन में पार्ट कर रहा है, इफ कॉमन सब्सटेंस हैव सेम एन फैक्टर इन ऑल रिएक्शंस, देन इक्विलेंट ऑफ ऑल सब्सटेंस ऑफ ऑल रिएक्शंस आर इक्वल, ये हमने बोल दिया। अगर एन फैक्टर सेम नहीं होता है, यहां टू और यहां थ्री होता कहीं पे भी, तो फिर नहीं होते, फिर आप क्या करते, इसके इक्विलेंट से इसके इक्विलेंट निकालते, यहां तक तो कर सकते थे लॉ ऑफ इक्विलेंट लगा के, फिर एन फैक्टर से क्या निकालते, मोल, एन फैक्टर से, क्योंकि वहां एन फैक्टर अलग है तो ये मोल को वहां ले जाते और वहां के एन फैक्टर से वहां के मोल निकाल लेते, सॉरी इक्विलेंट निकालते, फिर उस इक्विलेंट से दूसरे के इक्विलेंट निकालते, तो आपका स्टेप्स थोड़ा सा चेंज हो जाता। मैं तो तब भी कर लेता एक लाइन में, मेरी आदत ही एक लाइन में करने की है इस तरह के क्वेश्चंस को, लेकिन कॉन्सेप्ट्स में पकड़ होनी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो सभी के इक्विलेंट सेम है तो बचा ही क्या, फिर तो ये एक लाइन का ही क्वेश्चन हो गया, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ फिर देखा जाए तो, हो क्या रहा है एक तरह से, N1V1 ऑफ कॉपर सल्फेट CuSO4 इज इक्वल टू N2V2 Na2S2O3, क्या मैं कर सकता हूँ, हाँ इक्विवेलेंट आ गए,
नॉर्मलिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम इक्विवेलेंट होता है। आप जानते हैं नॉर्मलिटी की डेफिनेशंस क्या होती है, इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम इक्विवेलेंट आ गया। तो पहले से वॉल्यूम डिवाइड था इसलिए वॉल्यूम से मल्टीप्लाई किया है। यदि मास लिया होता या मोल लिया होता तो मोल से भी कर सकते थे। मोल कैसे निकालते हैं आप अच्छे से जानते हैं, या मोलरिटी दिया होता, एक बार मोलरिटी भी लिख लो, एम वन वी वन एन फैक्टर वन इज इक्वल टू एम टू वी टू एन फैक्टर टू। कुछ के दिमाग में आ रहा है कि एन फैक्टर कॉपर का क्या होगा, कॉपर सल्फेट का, प्लस टू से किस में जा रहा है, प्लस वन में। किसका निकाल रहे हैं, इसका निकाला जा रहा है या इसका निकाला जा रहा है, कॉपर सल्फेट का। तो कॉपर सल्फेट में प्लस टू प्लस वन में जा रहा है, तो एन फैक्टर कितना होगा जल्दी से बोलो, वन। हमें इसी का निकालना है, सी यू टू आई टू का एन फैक्टर कितना होगा, टू, क्योंकि प्लस वन से प्लस टू में चेंज हो रहा है, एक के लिए एक और वहां पर कितने कॉपर है, दो। तो हमारे लिए ये काम हो गया, कॉपर सल्फेट, और इसका एन फैक्टर ऑलरेडी आप निकाल चुके हो, कितना था इसका एन फैक्टर, वन। हाइपो का एन फैक्टर कितना होता है, वन, क्यों, क्योंकि यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी थी, टू, और यहां पर कितनी थी, 2.5। तो 2 से 2.5 यानी 1 बाई 2 का डिफरेंस आ रहा है, और दो सल्फर है, एक हो गया। इज दैट क्लियर। तो बताइए अगर आपको M1 दिया जा रहा है, V1 दिया जा रहा है, N फैक्टर आपको मालूम है कितना है इसका, 1, M2 दिया जा रहा है, V2 दिया जा रहा है, इसका N फैक्टर कितना है, इसका भी N फैक्टर 1 है, तो दोनों के मोल भी बराबर है, बराबर ही आएंगे, M1 V1 मोल है, लेकिन वेट बराबर नहीं आएगा क्योंकि दोनों का मोलर मास अलग है, वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। मान लीजिए इसकी प्योरिटी एक्स परसेंट है, एक्स यहां पर क्या बताएगा, प्योरिटी, परसेंटेज प्योरिटी लिख लेना, नहीं तो बाद में सोचते रह जाओगे कि क्या था। और डब्ल्यू टू डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट टू, वाई क्या है, प्योरिटी ऑफ हाइपो, Na2S2O3। समझ में आ रहा है, X प्योरिटी है, प्योरिटी है, क्या दिया गया है उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चंस को घुमाएंगे और तेजी से ले जाएंगे। करिए इसको, देखो इस क्वेश्चंस को देखते हैं, अच्छा सा एग्जांपल है। ए 1.1 ग्राम सैंपल ऑफ कॉपर और इज डिसॉल्व एंड द कॉपर प्लस टू ऑफ इज ट्रीटेड विद एक्सेस के आई, द लिबरेटेड आयोडीन रिक्वायर्ड 12.12 ml of 0.1 m Na2S2O3. Solution for titrations. What is percentage copper by mass in the ore? तो कैसे देखेंगे हम इसको? पहले आपके पास ore है copper का, जो कि आपने copper plus two change किया. Copper plus two एक तरह से copper plus में change हो रहा है. ठीक है. तो बताओ यहाँ n factor कितना होगा? One. ध्यान को देखो एक बार, इस क्वेश्चंस के अंदर हमने कॉपर कॉपर प्लस टू में चेंज हुआ, कॉपर प्लस टू कॉपर प्लस में चेंज हुआ, कॉपर प्लस आयोडीन के साथ रिएक्शन करके हाइपो में चेंज हुआ, और आयोडीन का एन फैक्टर थ्रू आउट द रिएक्शन सेम है, जब बन रही थी तब भी टू था, जब रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रही है तब भी टू है, तो सबके इक्विवेलेंट सेम है, यानी इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर और इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ दिस। और कॉपर से हम कैसे निकालेंगे, हमारे पास 1.1 ग्राम दिया हुआ है, किसका, सैंपल का मास, मान लीजिए उसमें कॉपर एक्स परसेंट है, तो सैंपल का मास मल्टीप्लाई बाय एक्स बाय 100, प्योर कॉपर का मास आ गया, डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ कॉपर, हमारे पास कॉपर के मोल आ गए, कॉपर का एन फैक्टर यहाँ पर वन है, ध्यान रखना वन है, क्योंकि सी यू प्लस टू सी यू प्लस में चेंज हुआ है, गलती से भी टू मत लिख देना, ठीक है। तो हमारे पास जो भी और है उसके अंदर कॉपर का और क्या मतलब, उस और के अंदर ही कॉपर प्लस टू था, ठीक है। दूसरी तरफ हाइपो की मोलरिटी 0.1, वॉल्यूम ml में था, लीटर में चेंज कर दिया, n फैक्टर 1, और इस तरह से हमने x की वैल्यू निकाली जो कैलकुलेशन करके 7% आ रही है आपके पास। तो कोई ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, लिखें इसको।